So what is up everyone, मैं Kane, I'm Barbarian, और आप वो देख सकते हैं मैं कह रहा हूँ Dante's Inferno, और अभी हम लोग हैं Circle of Lust में, जहाँ पर दोस्तों हम लोग Beatrice को खोजने के लिए आए हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, पूरा रिवर Acheron क्रॉस करके, लिम्बो को भी क्रॉस करके, अब हम लोग पहुँच चुके हैं Circle of Lust में, जहाँ पर से आगे का रास्ता बनेगा दोस्तों, और आगे का मिशन भी चालू होगा। सो चलिए आज का मिशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे ख्याल से मुझे अपग्रेड कर लेना चाहिए दोस्तों। मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं और मैं ये वाला अपग्रेड खरीदूंगा और ये भी, बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह शिट, रैपेल, ओके। यहाँ पर झूला झूलना है, ये आसान नहीं होने वाला दोस्तों। एक भी गलती और मौत के मुंह में है। जंप, उधर नहीं जाना है मेरे को, पहले ऊपर क्या है वो देख लेते हैं। ओके, अब ये देखिए सीक्रेट, गुड। ऐसे रस्सी में झूलने वाला जो टेक्निक है वो हमें कहाँ पर पता चला था? वॉरियर विद इन में भी ऐसे ही कुछ तरीके से वो झूलता था, ऐसे ऐसा करके दौड़ता था और झूला झूलता था दोस्तों। बढ़िया है, बढ़िया है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ऊपर हमको उस जगह कूदना है, वो देखो जस्ट वहां पर। ओहो, मेरे को डर लग रहा है। ये बिच, पहुंच गए। यहां भी सीक्रेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले वाले में सीक्रेट था तो यहां भी होगा। गुड, ये क्या मिला? रैलिक, कोई रैलिक रख लेना चाहिए हमें। ये नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते, ये रख सकते हैं, बढ़िया। और यहाँ क्या रखें? हाँ ठीक है, ये दो रैलिक सही है, जरा यूज़ करके तो देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। ओके कम ऑन। वो यार अब तो कुछ ज्यादा ही दूर कूदना है, मेरे को नहीं लगता ऐसे कूद पाएंगे। हाँ हल्का सा दो चार कदम नीचे हो जाते हैं। हाँ अब देखते हैं दोस्तों आप पहुंचेंगे कि नहीं। ये पहुंच रहे हैं, मतलब अब जंप कर सकते हैं। ओके हियर वी गो, बढ़िया पकड़ लिया भाई। वाह यार ये क्या है? रैपल कॉम्बैट। अच्छा झूला झूलते हुए मार कुटाई भी कर सकते हैं हम लोग। अरे पहुंच ही नहीं रहा भाई, अब देखते हैं अब पहुंचे कि नहीं। यस अब पहुंच गया। अरे बढ़िया, तोड़ डाला भाई उसको। ओके अब क्या करना है? ये कतई जहर। अरे बाप रे, ये लोग कहां से आ गए भाई? क्या रे चिरकोट भाई से पंगा, इस सारे लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं दोस्तों। रुक जाओ, इनको सबक सिखाता हूं मैं। हट, अब तेरी बारी है कात्या, रास्ता साफ है, बढ़िया। ये पकड़ ले, अगर ये नहीं पकड़ा होता तो मैं पकड़ लेता। गुड, किंग रिचर्ड वांट्स अस टू बेबीसिट 3000 प्रिजनर्स, दैट इज द किंग्स कमांड। ही इंटेंड्स टू नेगोशिएट द एक्सचेंज ऑफ दीस प्रिजनर्स फॉर द रिटर्न ऑफ द ट्रू क्रॉस। नेगोशिएट विद हेरेटिक्स। I can comfort you if you let my brother go. I have a woman in Florence. In Florence. Dante, don't. Let me comfort you. Okay, अब समझ आया भाई, बीट्रेस लूसीफर से सौदा क्यों करी थी? ये साला दूसरी औरत के साथ चला गया था। Living creature. Okay दोस्तों, ये है फ्रांचेस्का द प्लांटा,
ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इसने अपने हस्बैंड के ब्रदर से मतलब प्यार कर लिया था और लस्ट के कारण वो यहाँ पहुँच गई है। अब सीधी सी बात है, उसके हस्बैंड को जब ये पता चला तो उसने दोनों को मार दिया। अब हमारी बारी है। वैसे इसकी कोई गलती नहीं थी दोस्तों, इस मैडम की प्रॉक्सी मैरिज हुई थी, अब क्या ही कर सकते हैं, अब प्यार हो गया तो हो गया। बट मैं इसे अपसॉल्व कर सकता था, बट मुझे चाहिए अपग्रेड। और ये क्या है, दोस्तों अब हम लोग सर्कल ऑफ लस्ट में इंटर करने वाले हैं। और वो जो अजीब सी इजिप्शियन टाइप की दिख रही थी वो थी क्वीन क्लियोपेट्रा, इजिप्शियन क्वीन जो काफी लस्टफुल थी। ये पजल मुझे याद है, अपन कभी भूलेगा ही नहीं। बट अभी हमको ये नहीं करना है, अभी हमको बातचीत भी तो करना है दोस्तों। ये रहा वर्जिल, मुंह खोल भाई। ओके, तो ये क्या बोल रहा था मैं बताता हूँ। ये विंड ऑफ लस्ट है जहाँ पर जितने भी ठरकी लोग हैं ना वो लोग उड़ रहे हैं, उनको उनके ठरक के कारण यहाँ पर सजा मिल रहा है दोस्तों। वो हवा में उड़ रहे हैं, ना ही उनका दर्द कम हो रहा है, ना ही उन लोग कभी शांति से रह पा रहे हैं। तो जो ठरक है ना इंसान की, उसको कभी सोने नहीं देती, ये यहाँ पर सिग्निफाई करता है। एक और हमको यहाँ पर कुछ मिल गया, ये सीक्रेट से हमको पैसा मिलता है दोस्तों, बस इतना मुझे मालूम है। सो लस्ट का मतलब ठरक होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। ओह शिट, हमको उस सर्कल के अंदर घुसना है, उस टॉर्नेडो को क्रॉस करना है। और वो क्रॉस कैसे करेंगे मैंने अभी आपको दिखा दिया था, चलिए आपको फिर से दिखाता हूँ। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माई नेम इज लखन, सज्जनों का सज्जन, मेरा नाम है लखन। यस, अपन पहुँच गए। भाई कभी गलती नहीं करता, भाई कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ओए मां, मैडम जी ये क्या है? उसके पेट से अर्थ वर्म निकल रहा भाई साहब। ए कितना मारते रे बाबा। उठा के पटक दूंगा मैं। अरे पहले उठाने तो दे। बहुत बढ़िया, इन लोग बहुत ज्यादा मार कुटाई करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा भी गलती करूंगा तो मैं ही पिटाऊंगा। ये बहुत बढ़िया, एक नंबर। अरे अरे रैप्टा मारती है। ओह शिट, ओ भाई साहब। ये गेम ऐसा ही है। ओहो, अरे हाँ मैंने तो काउंटर वाला पावर लिया है। एक बार और काउंटर कर दे। ओह शिट, काउंटर के चक्कर में थपेड़े पड़ रहे हैं, बताओ। थपेड़े नहीं, चपेड़े। ओके चलिए,
अपना सपना मनी मनी लेते हैं। ओह ये तो हेल्थ हेल्थ है, देख रहे हैं उसका शेप कैसा दिख रहा है, बिल्कुल वी आकार का। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो पोगो देखें, जाके पोगो देखें दोस्तों, जाके मिस्टर बीन देखें आप लोग। ओके सांप का मुंह, इस सांप के मुंह को पूरा नहीं खोल सकते, इसलिए पूरा खोलने के लिए दांत तोड़ना पड़ेगा, दांत तो तोड़ दिया गया है, अब मुंह खोला जाए। खुल जा सिम सिम। अरे ओ सांबा ये खुल गया रे, खुल गया जादू, बहुत बढ़िया। Beatrice! मैडम जी आप यहाँ क्या कर रही हो, ये तो निकल ली भैया, पहली फुर्सत में निकल लिए, तो अब हमारा क्या होगा, हम लोग बस झुनझुना बजाएंगे। यहाँ पर वर्जिल भी है, पहले ये सब ले लेते हैं फिर वर्जिल से बात करेंगे। ये कौन है भाई साहब? To this circle was judged Semiramis, queen of Assyria, empress of many tongues. Her passion ruled her and her kingdom. Alas, what great desire has brought her to this woeful pass? She was so given to lechery that she made lawful the very lust for which all these shades are punished, so as to erase the blame cast against her. यहाँ पर दोस्तों वर्जिल सेमेरिमस के बारे में बताता है, जो क्वीन ऑफ असीरिया थी, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी रूलर थी अपने टाइम की, बट वो इस जगह में कैसे फंस गए उसके बारे में ये बात कर रहा था। तो हुआ ये था दोस्तों कि सेमेरिमस ने एक कानून बनाया था जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे भी शादी कर सकते हैं, तो उस कानून के कारण उसे शायद सर्कल ऑफ लस्ट में यहाँ पर जगह मिली है, तो वो शायद हमको आगे मिल सकती है। लेट्स सी, सेव कर लेते हैं पहले। आप लोग से बातें करते करते मैं भूल ही जाता हूँ मेरे को करना क्या है। ओ भाई साहब ये देख रहे हो आप? ओके ऐसे तो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, क्या ही करूं मैं, वेट करूं, नीचे आ जाए मेरे बाप। वाओ इसको मैं ही नीचे ला सकता हूँ, अब मुझे पता चला। ओ ये देखो ये क्या है, पता नहीं ये क्या काम आएगा दोस्तों, बट लेट्स सी ये क्या काम आता है। इसे हमें बाहर लेकर आना है क्या, क्योंकि उस तरफ मैंने देखा था दीवार में कुछ है। ओ शिट ये बाहर नहीं आने वाला, एक बार और ट्राई करते हैं। ओके काम हो गया। वो देखो मैं वहां की बात कर रहा था, बट पहले इधर भी चलते हैं, इधर भी तो सीक्रेट है। गजब मेरे भाई गजब, गजब कर दिया। और ये देखो, अच्छा भाई अपने को अपना सपना मनी मनी मिल रहा है। चल चल मेरे भाई। अबे ये क्या बेइज्जती है भाई साहब, वो ऊपर चला गया मैं नीचे हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओह शिट, ओ मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, इसे चालू भी तो करना है। क्या ही लापरवाही है दोस्तों, मेरा मुंडा खसक गया, पता ही मेहनत का काम है बार बार ऊपर चढ़ना उतरना। चल खोल इसे, बहुत बढ़िया। अबे फिर से नीचे गिर गया। Every man in the kingdom was at my feet. मेरा मुंडा खसक गया दोस्तों, अब मैं फिर से ना गिर जाऊं प्लीज, दुआ कीजिएगा। ओ मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, आधा है
वो वहीं कहीं पर फंस रहा है दोस्तों, मैं देखता हूँ कहाँ पर फंस रहा है। ये देखो एक बार चढ़ गया और वापस आ गया। ओके चलिए अब मत गिरना मेरे बाप। यस हो गया भाई, हो गया हो गया। ओह शिट, दैट्स ह्यूज। मैं इस चिमगादड़ की बात कर रहा था दोस्तों, आप लोग कुछ गलत मत समझिए। क्या रे मेरे से लड़ेगी तू? भाग, पहले चड्डी पहन के आ। अरे अरे वाह वाह वाह, ये क्या है? बहुत बढ़िया भाई, खुश हुआ। उल्टे हाथ का रैप्टा नहीं चलेगा। कम ऑन यार, कितने लोग आएंगे, कितनों से लड़ना पड़ेगा मुझे। क्या रे जाड़िए, तू मुझसे लड़ेगा? ओह शिट, अलग पड़ा है भाई। अरे ओहो ओहो, बहुत कूट रहा है भाई यहाँ पर, कोंटे में छुपा गया मेरे को। बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। बट बहुत मार रहा साले, इसको पहले निपटाते दोस्तों। सबसे ज्यादा काड़ी यही कर रही है, एक नंबर। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कैसा लगा? ओह शिट, गंदा। ओ भाई साहब, बच गया मैं दोस्तों। अच्छा है मेरा ध्यान था, नहीं तो मैं नीचे होता सीधा। इधर आ बेटे, तेरे को प्यार दिखाता हूँ मैं। गौर कर रहे हो दोस्तों, ये साला लिफ्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बस चले जा रहा है। मेरे को हेल्थ चाहिए, कोई हेल्थ दे दो। बहुत बढ़िया, सबको ऐसे ही मारूंगा मैं, क्योंकि मेरा अनहोली वाला जो अपग्रेड है वो अच्छा खासा फुल हो चुका है। होली वाला फुल करना है। कैसा लगा होली शिट? बूम, ओ माय गॉड, मारो मारो इसे, मुंडा फोड़ दो इसका। हट, अरे रे रे, बड़ा फटका मार रहा भाई ये। ये दोस्तों अब देखो मैं कमाल दिखाऊंगा ऐसे। भाई को खेलने आता है, भाई को मत सिखाओ कैसा खेला जाता है। ये अरे, हर बार मार थोड़ी खाऊंगा मैं। देखा दोस्तों, इसको बोलते हैं जलवा। अभी भी लिफ्ट चले ही जा रहा है। ओह शिट, ओह भाई साहब, अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसे वहां से निकल गए? ऐसा भी होता है क्या? ये मैंने पहली बार देखा है। हमने तो सुना था दूध निकलता है, पर झींगुर पहली बार देखा है। मुझे मालूम है यहाँ पर करना क्या है। पहले जितना मैं बटोर सकता हूँ उतना बटोर लूंगा मैं। ये पहले भागो रे तुम लोग, मेरे को हेल्थ चाहिए भाई, मेरा हेल्थ एकदम डाउन है। अरे अरे अरे, कोंटे में पीट रहे दोस्तों ये लोग। बहुत बढ़िया, ये देखो उंगली कर दिया साला झींगुर। अरे मर, ऐसे ही मारना पड़ेगा तुझे।
ओके उधर का भी खुल गया है, बट हमें हेल्प चाहिए किसी भी हालत में। बहुत बढ़िया, एक नंबर। जादू नहीं अजूबा सही, डांटे का करिश्मा एक बार में सबको सुला देता है। ओके हटो तुम लोग, हट चेंज पोगले। ये पहुंच गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। बस एक और छोटा सा काम करना है, फिर उसके बाद इसका खेल खत्म। जल्दी जल्दी जल्दी, ये हम लोग पहुंच गए। आग भी ऐसे जगह छोड़ा है कि क्या ही बोलूं मैं। सही है, जीत हमारी हुई। हम लोग जीत के लिए बने दोस्तों। ओह शिट, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चिरकुट लोग और मारना बाकी है। क्या रे चिमगादड़, ओहो ओहो क्या ही कॉम्बो है, क्या ही प्यार है भाई। मैं उससे डरता हूँ, जो भी वो सांप निकलता है उसके पेट से, बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को। ये क्या ही थपेड़े थे, बहुत हो गया भाई, तुम बहुत उंगली कर रहे हो, रुक जाओ। पूरा मुंडा इन्हीं कारण खराब हो रहा है, साला गेम पे ध्यान दे कि इनके ऊपर। ये बहुत बढ़िया, एक नंबर। साले आते ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे। अरे तू भी मर, हम एक बची बस। मेरे पास अपना रेज मोड ऑन है, सॉरी रेज मोड फुल हो चुका है, बट मैं उसे यूज नहीं करूंगा। ओह शिट, बहुत बढ़िया। ये इसी का तो वेट कर रहा था मैं। रास्ता साफ है, वो देखिए हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग ऊपर आ गए दोस्तों। हम लोग इतना पंचायत इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ तक पहुंच पाए, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ओके ये कौन है? It was not a passing romance. It was our destiny. ये है पाओलो मेलेटेस्टा, ये फ्रांचेस्को द प्लांटे का मतलब बॉयफ्रेंड है। ये दोनों के दोनों यहाँ पहुँच गए लास्ट वाले जगह में। इसको एब्सॉल्व कर देता हूँ, उसको भी करना था बट उस समय मुझे अपग्रेड चाहिए था, बट इस बार हम लोग ये कर रहे हैं। दोनों का होता क्या है दोस्तों, प्रॉक्सी मैरिज होता क्या है? प्रॉक्सी मैरिज में ये होता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक मैरिज के समय प्रेजेंट नहीं रहता, उसके लिए कोई मतलब प्रॉक्सी यानी किसी आदमी को लेते हैं या फिर डमी को लेते हैं या फोटो वोटो को लेते हैं, तो उस सेरेमनी में वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो जो जीवानी था जो फ्रांचेस्का से शादी करने वाला था, वो उसका हस्बैंड था और उसका भाई का नाम पोलो था। तो होता क्या है, पोलो जो है वही मतलब प्रॉक्सी मैरिज के समय प्रेजेंट रहता है, उसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है और उसके बाद जीवानी फ्रांचेस्का और पोलो दोनों को मार देता है और दोनों का लाइफ ख़त्म हो जाता है। वैसे उन दोनों की कोई गलती नहीं रहती है, असलियत में ऐसा रहता है कि जो जीवानी रहता है ना वो बहुत मतलब अगली दिखता है, एकदम गंदा दिखता है, वो शायद वॉर में बिजी रहता है करके ना वो अपना शादी अटेंड नहीं कर पाता, इसलिए ये सब होता है। तो चलिए अपग्रेड करते हैं दोस्तों, ये अपग्रेड करूँगा मैं। और कुछ बचा है? इधर देख लेते हैं, इधर बहुत सारा चीज़ है अपग्रेड करने के लिए। ये कुछ बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। ओके ये भी सही है, बट मेरे को लगता है उसको बचा के रखना चाहिए दोस्तों सही टाइम के लिए। सो ये स्टोरी था फ्रांचेस्का द प्लांटो का। ये सब रियल स्टोरीज हैं भाई, मैं ऐसे हवा में फेंक के नहीं बताता हूँ, ये सब रियल स्टोरी है और इन लोग कहीं ना कहीं मतलब डिवाइन कम्युनिटी में प्रेजेंट हैं अपने
डांटे के। ये सारे कैरेक्टर उसमें आते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं होगा बट मुझे बहुत मज़ा आता है इनके बारे में पढ़ने में। सबका स्टोरी एकदम अलग रहता है। इस वाले कहानी में दोनों का कहानी मतलब लस्टफुल था। सीधी सी बात है, लस्ट वाले सर्कल में है तो लस्ट वाली कहानी होगी। ओके, हमको ऊपर जाना है। हे, वो क्या है? रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। उधर कुछ सीक्रेट है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं वो देखो। ओ, एक और बंदा या फिर बंदी। ये है सब मेरे मस्त दोस्तों, ये है क्वीन ऑफ अर्सेरिया। और सच बता रहा हूँ, इसका कहानी मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका हस्बैंड मर जाता है और ये अर्सेरिया की क्वीन बन जाती है और अर्सेरिया को पूरा ये संभालती है। बट इसने एक ही गलती किया था, क्योंकि उसको अपने बेटे से प्यार रहता है और ये चीज उसके बेटे को पसंद नहीं रहता है, तो एक कानून बनाती है वो। ओके, इसको करते करते ही बताता हूँ। कानून ये रहता है कि पेरेंट्स और उनके बच्चे शादी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कानून बनाती है, जिससे उसका काफ़ी विरोध होता है। और एक तरीके से ये सीन है, और सीन होने के कारण ये देखिए, ये अभी आके लस्ट वाले सर्कल में फंसी हुई है। और शेट, कहानी बताते बताते गड़बड़ी भी हो रहा है दोस्तों। लस्ट मतलब थरक, आप लोग समझ सकते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा गलती था, इसलिए मैं इसको एब्सॉल्व कर रहा हूँ। और प्लस मुझे अपग्रेड भी करना है। सबका उतना भारी गलती नहीं रहता, जितना भी मैं लोगों से अभी तक मिला हूँ, इक्का दुक्का लोग ही वैसे रहते हैं। ओके, हमारा काम यहाँ पर हो गया, अपग्रेड भी हो गया और सीक्रेट भी मिल गया। चल मेरे भाई। ओके, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। यस, माय नेम इज लखान। मैं बज गया दोस्तों, तालियां बजाइए, गाना गाइए सब। अगर आपको ये वॉक थ्रू पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई साहब लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगली बार मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए चिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।